माइक्रोमैक्स 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 9000 रुपए के नीचे माइक्रोमैक्स छा चुका है। पहले पूरे मार्केट को हिला दिया वन भी लॉन्च करके, जहां पे कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड की जो कंपटीशन के अंदर कोई भी प्रोवाइड नहीं कर पाया। यूएसबी टाइप सी और फिंगरप्रिंट सेंसर 7000 रुपए के अंदर। उसके बाद में अब 2B लॉन्च कर दिया है, जहां पे आपको प्रोसेसर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल कॉर्टेक्स A75 बेस्ड प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। आज के इस वीडियो के अंदर हम ये पता करेंगे कि इन दोनों फोन के अंदर आपको क्या फर्क देखने को मिल जाता है, कौन कौन सी चीजें आपको 1B के अंदर देखने को मिलती है लेकिन 2B के अंदर देखने को नहीं मिलती। फिलहाल मेरे हाथ में माइक्रोमैक्स इन 1B और 2B है, लेकिन आपके हाथ में जो भी स्मार्टफोन हो फटाफट से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जोक्स अपार्ट, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो ही सब्सक्राइब करना, वरना नहीं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आपका जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है ना वो 2B बचा लेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसके बॉक्स के अंदर ही आपको स्क्रीन गार्ड देखने को मिल जाता है और बैक साइड का सिलिकॉन केस कवर देखने को मिल जाता है, जो आपको 1B के बॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो आपका जो एक्स्ट्रा खर्चा है ना वो आपका 2B बचा लेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिजाइन की। तो दोनों के अंदर आपको काफी बढ़िया डिजाइन देखने को मिल जाता है। दोनों के अंदर आपको ड्यूल पैटर्न टाइप की डिजाइन देखने को मिल जाती है। अगर हम लोग 1B की बात करें तो वहां पे आपको प्लेन टाइप की डिजाइन देखने को मिल जाती है, डॉट डॉट वाली। इसके अगेंस्ट में अगर हम लोग 2B की बात करें तो वहां पे डॉट डॉट की तो डिजाइन देखने को मिलती है, साथ में रेज टाइप की भी डिजाइन देखने को मिल जाती है, जो कि लुक को थोड़ा सा एनहेंस कर देती है। इनफैक्ट दोनों के अंदर आपको रेक्टेंगल टाइप का कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाता है, लेकिन जो कैमरा मॉड्यूल की जो डिजाइन है ना वो मुझे 2B की पर्सनली ज्यादा पसंद आई है, क्योंकि यहां पे इन्होंने क्या किया कि जो भी कैमरा के लेंसेज है ना और जो फ्लैश है ना उनको हाईलाइट कर दिया उसके बाजू में सर्कल प्रोवाइड करके। इसके अलावा इनकी ब्रांडिंग आपको नीचे देखने को मिल जाती है और साथ में बैक साइड के अंदर स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाते हैं। स्पीकर ग्रिल की जो डिजाइन है वो थोड़ी सी चेंज की है। इसके अलावा इन 1B की मुझे एक चीज ज्यादा पसंद आई है दोस्त, अगर आप लोग क्लोजली देखो तो इन 1B का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ना उसकी बाउंड्री पे आपको सिल्वर कलर का है ना एक कवर देखने को मिल जाता है, जो आपको 2B के अंदर देखने को नहीं मिलता। सो लुक के मामले में ना ये जो सिल्वर कलर की जो बाउंड्री आपको देखने को मिल जाती है ये थोड़ा सा लुक को थोड़ा सा एनहेंस कर देती है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पॉड्स बटन्स की। तो टॉप साइड के अंदर आपको कोई भी सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन मिक नहीं देखने को मिल जाता। बॉटम साइड की बात करें तो यूएसबी टाइप सी का पॉड देखने को मिल जाता है। मेन माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। 3.5mm हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक साइड के अंदर आपको पावर बटन देखने को मिल जाता है और वॉल्यूम रॉकर देखने को मिल जाता है, और दूसरी साइड के अंदर आपको इन 1B के अंदर सिम स्लॉट के साथ में गूगल असिस्टेंट का बटन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फ्रंट साइड की अगर हम लोग बात करें तो दोनों के अंदर आपको नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। दोनों के अंदर सेम ही बेजल साइज देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोनों डिस्प्ले का जो साइज है वो भी सेम है, 6.52 इंच का HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। IPS पैनल के साथ में आता है। दोनों की जो ब्राइटनेस है वो भी सेम है, 400 nits की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और 10 वॉट की चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। अब फर्क क्या है वो पता करते हैं दोस्तों। प्रोसेसर डिपार्टमेंट, कैमरा डिपार्टमेंट और कुछ सेंसर्स और भी बहुत सारी चीजों के अंदर दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। मैं एक और चीज आपसे रिपीट कर देता हूं, दोनों ही स्मार्टफोन जो अभी फिलहाल मेरे हाथ में है 4GB DDR4X के रैम के साथ में है और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में EMMC 5.1 का इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिल जाता है। सो जो मैं आपको स्टैट्स दिखा रहा हूं AnTuTu Score का वो इसी सेम रैम और इंटरनल स्टोरेज के साथ में ही प्रोड्यूस हुआ है। अगर हम लोग इन 1B की बात करें तो यहाँ पे आपको 1,06,000 का AnTuTu Score देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग 2B की बात करें तो यहाँ पे आपको क्लोज टू 1,70,000 का AnTuTu Score देखने को मिल जाता है, और वो इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि यहाँ पे आपको MediaTek G35 देखने को मिल जाता है, जबकि 2B के अंदर आपको UniSoC का T610 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। दोनों के अंदर फर्क अगर आप लोग को इन डिटेल पता करना है तो ये वीडियो बना हुआ है, जाके चेकआउट कर लीजिए। ओवरऑल बता देता हूं, दोनों 12 नैनोमीटर पे बने हुए हैं। यहाँ पे CPU जो है वो Cortex A53 पे बेस्ड है, यहाँ पे A75 और A55 पे बेस्ड है। इन शॉर्ट यहाँ पे CPU जो है थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो GPU है वो भी यहाँ पे आपको बेटर देखने को मिल जाता है, और ये जो बेटरनेस है वो आपको AnTuTu Score के अंदर देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा ऐप ओपनिंग या फिर गेम खेलते वक्त
यूनिएसओसी T610 का जो प्रोसेसर है काफी ज्यादा बेटर काम कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की। आपको रेजोल्यूशन माइट भी सेम लगे लेकिन रिजल्ट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिलेगा दोस्तों। वेल दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको ड्यूल कैमरा का सेटअप देखो मिल जाता है। 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, अपर्चर की ओपनिंग अच्छी देखने को मिल जाती है, F1.8 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। दूसरा जो सेंसर है वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो 2B है यहाँ पे आपको सैमसंग का सेंसर यूज किया है। यहाँ पे सेंसर की साइज थोड़ी सी बड़ी है और इसलिए माइट भी आप लोग अगर नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पे जो लेंस है जो बैक साइड का कैमरा मॉड्यूल है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है, और यहाँ पे जो है ये अंदर ही है, बॉडी के अंदर ही देखने को मिल जाता है। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। अभी रिजल्ट पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, थोड़ा सा फोटोज पे फोकस करते हैं। मैं आपको ऑन स्क्रीन दोनों की फोटो दिखा देता हूं, आपको दूर से माइट भी फोटो दोनों सेम लगे लेकिन अगर आप लोग क्लोजली थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हो जूम इन करके तो आपको पता चलेगा 2B की जो फोटो है ना वहां पे थोड़ा सा नॉइज लेवल ज्यादा देखने को मिला है। इन 1B और इन 2B का जो बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है 2B वाली फोटो के अंदर वहां पे आपको डॉट डॉट देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट यहाँ पे आपको थोड़ी सी नॉइस लेवल ज्यादा देखने को मिल जाती है। अभी मैं भी सरप्राइज था कि ऐसा कैसे हो पाया क्योंकि सेंसर सैमसंग का यूज किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, प्लस जो रेजोल्यूशन वो भी सेम है। माइट बी सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। मैंने दूसरी फोटो ली और दूसरी फोटो के अंदर आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि फोटो एकदम ऑलमोस्ट सेम आई है। दूसरी फोटो के अंदर आपको 2B के अंदर कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं लिटरली सरप्राइज हो गया यार, जो पहली फोटो खींची थी उसके अंदर क्यों प्रॉब्लम फेस करने को मिली। तो मैंने एक दूसरे एंगल से सेम पहली वाली फोटो ही ली। इस फोटो को अगर आप लोग क्लोजली देखते हो तो 2B का जो बॉक्स है ना वो आपको सही दिखाई दे रहा है लेकिन 1B का जो बॉक्स है वहां पे आपको नॉइज लेवल डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी फोटो क्लिक की थी उसके अंदर कोई भी ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिले। इन शॉर्ट अगर माइक्रोमैक्स हमारा ये वीडियो देख रहा है तो आपको कैमरा के अंदर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन करने की जरूरत है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि भाई जब 1B लॉन्च हुआ था यहां पे भी जो कैमरा था वो ऑप्टिमम तरीके से काम नहीं कर रहा था लेकिन बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट आया उसके बाद में जो कैमरा का रिजल्ट है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया। अब बात कर लेते हैं सेल्फी कैमरा की। तो 1B के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, रेजोल्यूशन ज्यादा है, प्लस यहाँ पे अपर्चर की ओपनिंग भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, F2.0 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। 2B के अंदर स्ट्रेंजली रेजोल्यूशन को कम कर दिया, 5 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन कर दिया, इसके साथ में अपर्चर की ओपनिंग जो है वो और छोटी कर दी, F2.2 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। अब मैं आपको कैमरा का रेजोल्यूशन और अपर्चर के ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली आपको फोटो ही दिखाऊंगा, आप लोग खुद देख लीजिए क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग क्लोजली 1B और 2B की फोटो देखो तो दूर से आपको माइट भी 2B की फोटो ज्यादा अच्छी लगे क्योंकि वहां पे आपको ब्राइटनेस जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है लेकिन अगर आप लोग क्लोजली थोड़ा सा फोकस करके देखो, थोड़ा जूम इन करके देखो तो आपको पता चलेगा कि 2B की जो क्लैरिटी है ना वो थोड़ी सी कम है, 1B की जो क्लैरिटी है ना वो आपको आराम से थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाती है। मेरे ये जो बाल है ये आपको 1B के अंदर देखने को मिल रहे हैं लेकिन 2B के अंदर थोड़े से धुंधले देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि 2B जो है ना ये फोटो को थोड़ी सी ब्राइट कर रहा है, थोड़ा अच्छा लुक प्रोड्यूस कर रहा है, साथ में ये ना मेरी स्किन को है ना थोड़ा सा स्मूथ भी बना रहा है, थोड़ा सा ब्यूटी मोड ऑटोमेटिकली ऑन कर रहा है। हालांकि मैंने जो फोटो क्लिक की थी वहां पे ब्यूटी मोड ऑन नहीं था लेकिन फिर भी इससे स्किन को थोड़ा सा स्मूथ कर दिया है। इसके अलावा कैमरा एप्लीकेशन के अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको 2B के अंदर देखने को मिल जाती है, 1B के अंदर देखने को नहीं मिलते, जैसे कि ऑटो HDR 2B के अंदर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फोटो के अंदर प्रो मोड आपको 2B के अंदर देखने को मिल जाता है, 1B के अंदर हो सकता है सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ये चीज लाई जा सकती है। लेकिन अब आ जाते हैं वीडियो के तीसरे और आखिरी पड़ाव पे जहां पे आपको इन दोनों फोन के अंदर और क्या फर्क है वो पता चलेगा। वेल दोस्तों नेविगेशन सैटेलाइट के अंदर यहां पे आपको 2B के अंदर बैडू का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो आपको 1B के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज है जो आपको 2B के अंदर देखने को मिल जाती है, GPS नेविगेशन के अंदर थोड़ी सी हेल्प करती है। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ दो चीजें और है जो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। पहली चीज गूगल असिस्टेंट का बटन, खैर इसको साइड में रखते हैं, लेकिन जायरो सेंसर, यस दोस्तों जायरो सेंसर आपको 1B के अंदर देखने को मिलता है, 2B के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे माइक्रोमैक्स इन 1B और 2B के बीच में। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, प्लीज हमें नीचे कमेंट में बताइए कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा पसंद आया, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। इसके अलावा 1B का अनबायस्ड रिव्यू अगर आपको चेकआउट करना है तो यहाँ पे वीडियो बना हुआ
हुआ है, जाके चेकआउट कर लीजिए। इसके अलावा 2B का अनबॉक्सिंग वाला वीडियो बना हुआ है, ये वीडियो आपकी थोड़ी सी हेल्प करेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।